सर 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उन्होंने सदन में एक बात रखी थी नरेगा के प्रोग्राम के बारे में, एंड ही हैड सेड दैट मनरेगा हैज बीन अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। और उन्होंने बोला था कि हम इसको अलाइव रखेंगे टू शोकेस द फेलियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बट आयरनी लाइज इन द फैक्ट स्पीकर सर दैट फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 व्हेन कोविड स्ट्रक द एंटायर वर्ल्ड नॉट ओनली इंडिया, द नरेगा स्कीम वॉज द बैकबोन थ्रू विच द एम्प्लॉयज ऑफ द रूरल सेक्टर्स थ्राइव्ड ऑन। जब हमने एक रिवर्स माइग्रेशन होते हुए देखा, जो भी लोग अपनी सेवाएं देते थे अर्बन एरियाज में, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड माइग्रेटिंग बैक टू देयर विलेजेस, एंड इट वॉज दिस वेरी स्कीम जिसके माध्यम से हमारे लोगों को, सैकड़ों हजार लोगों को रूरल एरिया में जो है आज की डेट में आज तक उनको जो है एम्प्लॉयमेंट का एक साधन मिला है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन थ्री वेरी क्रूशियल एलिमेंट्स जो मेरे को लगता है जिनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉब्लम का आधार बन गए हैं स्कीम के अंतर्गत। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे बहुत ही युवा, हमारे डायनामिक पंचायती राज के मिनिस्टर साहब को भी, ही हिमसेल्फ ऑल्सो हैज बीन अ जिला परिषद मेंबर, नाउ ही इज अ मिनिस्टर हिमसेल्फ लुकिंग आफ्टर वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आई मस्ट से, तो तीन चेयरमैन भी रह चुके हैं, आई एम सॉरी, सो बहुत ही ज्यादा उनको जो है ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, देर इज एन इशू ऑफ डिलेड वेजेस कंबाइंड विद लो वेजेस एंड जो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली विद डिजिटाइजेशन केप्ट इन माइंड। अभी बीते वर्ष में हमने देखा है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर द्वारा, NMMS के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, दे हैड इनिशिएटेड टेकिंग ऑफ अटेंडेंस इन ऑल ऑफ आर नरेगा सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री। अब ये बहुत बड़ा कलोसल फेलियर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय अपने आप में, सो मेरे ख्याल से इसका रिवैम्पिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी माननीय सदस्य, मेरे सीनियर कॉलीग इंद्रदत्त लखनपाल जी ने पॉइंट रेज करा कि बहुत ही लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो रही है। मेरे हिसाब से सिर्फ नरेगा वर्कर्स की हमें अटेंडेंस देखने के बजाय हमें अपने पंचायत सचिवों की भी अटेंडेंस देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ कल की ही न्यूज उठाएं, मैं ऊना जिला के देख रहा था, अपने गगरेट क्षेत्र में भी देख रहा था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ज्यादा जो हमारे पंचायत सचिव होते हैं दे आर नॉट टू बी फाउंड इन अटेंडेंस इन देयर ऑफिसेस, चाहे वो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी मीटिंग का बहाना हो या किसी दूसरे काम का बहाना हो, दे आर एक्चुअली नॉट इन प्रॉपर अटेंडेंस इन देयर ऑफिसेस। साथ में जितने भी हमारे GRS हैं, जितने भी हमारे TAs हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द शेल्फ, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीजें लगनी है, एक प्रकार से जैसे लखनपाल सर ने बोला एक सर्कुलर इकोनॉमी बन गई है। वही वेंडर्स हैं जिनके थ्रू हम आज की डेट में मटेरियल उठा रहे हैं और वो बहुत ही सबस्टैंडर्ड तरीके का मटेरियल है जो उठाया जा रहा है। सो इसके ऊपर विचार विमर्श करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो प्रस्ताव रखा गया उसके अंदर पेवर टाइल्स की बात रखी गई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 5,450 करोड़ का अभी बैकलॉग है विच द सेंट्रल गवर्नमेंट ओज टू वेरियस डिफरेंट स्टेट्स फॉर ओनली मटीरियल कॉस्ट। इसी के साथ साथ अगर हम देखें जहां तक हमारी वेजेस की बात है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो ओज अ वेरी ह्यूज सम टू द वेरियस डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2016 में सर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला था दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे द वेजेस ऑन टाइम, इफ यू डोंट पे द वेजेस ऑन टाइम वो एक प्रकार से फोर्स लेबर को इक्वेट करती है। 4,700 करोड़, मैं आपके माध्यम से सर पंचायती राज मिनिस्टर साहब का अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा इस फिगर के ऊपर, 4,700 करोड़ का अभी तो वेजेस का बैकलॉग है एज ऑफ 14th of December 2022 विच द सेंट्रल गवर्नमेंट ओज टू 18 डिफरेंट स्टेट्स। सो द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश नीड्स टू इंश्योर कि हमारा जो बैकलॉग एक्यूमुलेट हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जैसे चंद्रशेखर सर जी ने भी ये अभी अपना सुझाव दिया था, एक डेलीगेशन बनाना और इसके ऊपर एक कंसाइज पॉलिसी बनाना जिसके आधार पे हम अपने हक की लड़ाई, अपने वर्कर्स की हक की लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके लड़ें और जो हमारा शेयर बनता है उसको हम जरूर लें। टाइम कम है तो मैं एक दो मुद्दे और ही रखना चाहूंगा। देर हैज बीन ऑल्सो अ लॉट ऑफ मिसप्लेस रिलायंस सर ऑन टेक्नोक्रेटिक अप्रोचेस।
हमें धरातल की परिस्थितियों को उसके आधार पर निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विस्तार में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि चंद्रशेखर सर ने अपने वक्तव्य में बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें गए हैं। वो वी हैव टू इंश्योर कि जहां पर अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस की, इट कांट बी अ ब्लैंकेट थिंग गोइंग ऑन फॉर द एंटायर डे। इसको हमें कंसाइज तरीके से इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में अगर हम वेज रेट का इंक्रीज देखें, डिफरेंट स्टेट्स में 4 रुपए से 21 रुपए का इंक्रीज हुआ है, विच ओनली अमाउंट्स टू सर, एंड दिस इज वेरी अबिस्मल फिगर। मैं इस यहां पर आज इस सदन के माध्यम से इस बात को एको करना चाहूंगा, दिस ओनली अमाउंट्स टू अ 4.25% इंक्रीज। अगर हम डियरनेस अलाउंस की भी बात करते हैं सर, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे सी एट लीस्ट एन इंक्रीज ऑफ 31%। 4,500 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ डीए अलाउंस की तरफ लगाया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फिगर है ये कि जब हम मनरेगा वर्कर्स की बात करते हैं, सो दे हैव ओनली सीन अ राइज ऑफ 4.25%। सर, जब हम अपने रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तभी हमारे यहां से, जब हमारा रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तभी हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की, तभी वो बढ़ पाएगी। हम बात करते हैं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की, हम बात करते हैं अपने रूरल एरियाज के, जो हमारे रूरल एम्प्लॉयज हैं, जो हमारा एक तरीके का इनफॉर्मलाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसको रिवाइव करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। जब तक हम यहाँ के अपने जितने भी हमारे बैकबोन, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे बैकबोन ऑफ आर सोसाइटी के एट द रूरल लेवल, जब तक हम उनको नहीं सशक्त करेंगे, सो आई फील इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन द कमिंग डेज। मनरेगा में 15 दिन में वेज का डिस्पर्सल होना होता है, एंड इट इज वेरी सैड टू से, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, आज की डेट में इट हैज कम डाउन टू बिकम अ सप्लाई ड्रिवन स्कीम। सो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से एक बारी हमारे बहुत ही कर्मठ, हमारे बहुत ही मेरे बड़े भाई, हमारे पंचायती राज मिनिस्टर से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर एक कमेटी बना के एक विचार विमर्श करना और फिर अपनी डिमांड्स को एट द हाईएस्ट लेवल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में अगेन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वेरी आयरोनिक सर, जब 2013-14 का हम बजट देखें तो 32,000 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर मनरेगा, और जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिस वॉज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर, द आयरनी अगेन लाइज इन द फैक्ट कि 2021-22 में 73,000 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर द सेम स्कीम, एंड टू फर्दर कॉम्प्लीमेंट दैट 98,000 करोड़ वॉज गिवन एज अ सप्लीमेंट्री बजट। तो इसमें जो हमारे राज्य का, हमारे राज्य के वर्कर्स का जो शेयर है, उसकी लड़ाई लड़ना, चाहे वो डिलेड वेजेस की बात हो, चाहे वो लो वेजेस की बात हो, एंड स्पेशली जो आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं विद डिजिटाइजेशन इन माइंड, इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मेरे को इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का आज मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।